ऐसा करीम, दुआ कुमैल पढ़ते हैं ना जी जी, उसमें आखिर में क्या, या सरी आर रिदा, वो अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत जल्दी राजी हो जाता है। तौबा कर लो माफ कर देगा, इस्तगफार कर लो माफ कर, शर्मिंदा हो जाओ माफ कर देगा। लेकिन ये वो जगह है कि अगर मजदूर की मजदूरी में गड़बड़ की ना, अरे बाप रे, तुम चाहे पैदल करवला जाओ, हाँ, 50 बार हज करने जाओ, खुदा तुमको माफ नहीं कर सकता। ओहो, ये रिवायत सुनिए, बिस्मिल्लाह, खुदा तुमको माफ, जो इतना करीम है, तौबा कर लो, शर्मिंदा कर लो, मगर मजदूर की इतनी हिमायत है के फरमाते हैं कि इन्नल्लाह, रिवायत सुनिए, इन्नल्लाह गाफिरु कुल्लि ज़म्बिन, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है जी, इल्ला मन अहदस दीनन, सिवाय उसके जो नया दीन इजाद कर दे, औ गसब अजीरन अजरहु, या अगर कोई शख्स किसी मजदूर की मजदूरी मार दे, ओहो, गसब कर ले, चलो 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 पढ़ो, दे दिया बहुत दे दिया, चलो सब माफ हो सकते हैं, सब माफ हो सकते हैं, ये दो माफ नहीं होंगे, तीसरा भी है। अच्छा। और इन तीनों को जब मिलाइए तब समझ आएगा कि मजदूर की मजदूरी हड़पने का कितना बड़ा जुर्म है कि इन दो गुनाहों के साथ रखा गया। तीसरा क्या है, क्या? फरमाते हैं औ रजुलन बाहरन, या कोई इंसान किसी इंसान को बेच दे, अच्छा खासा आदमी, आजाद आदमी है, आजाद आदमी का छोटा मोटा गुनाह है, बहुत बड़ा, का किसी को बेच दो, गुनाह नहीं माफ होगा। कोई दीन नया बना लो, अल्लाह नहीं माफ करेगा। वैसे ही अगर मजदूर की मजदूरी आपने गसब की हड़पी, खुदा माफ नहीं करेगा।